मिश्रा को जिला एसपी द्वारा दिया गया ट्रैफिक का प्रभार। वहीं प्रभार लेते ही उमेश मिश्रा द्वारा अवैध रूप से चल रही टैक्सियों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने बिना ड्रेस कोड के बिना कागजातों के चल रही गाड़ियों पर भी कार्रवाई की और समझाइश दी कि बिना ड्रेस कोड के गाड़ी न चलाएं। आज जो मुझे ज्वाइन किया, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं 27 तारीख को थाना प्रभारी के रूप में यहाँ ज्वाइन किया हूँ। एसपी साहब ने दायित्व थाना प्रभारी यातायात का दिया है, तो जो अपना जयस्तम चौराहा है यहाँ पे मैं जो भी 2 दिन में देखा हूँ, अपने चारों तरफ बीजी रोड पर स्टेशन रोड तरफ जाने वाले शिमला के सामने और हनुमान मंदिर के सामने चारों स्थानों पर ऑटो खड़े हो जाते हैं, जिससे कि अपना चौराहा कभी काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। तो इसी को देखते हुए ऑटो वालों को बुलाकर उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इस संबंध में मैं अगर इनकी कोई यूनियन है तो उनसे भी चर्चा करके प्रयास करूँगा कि ये जो ऑटो यहाँ लगाए जा रहे हैं ये इनके लिए कोई स्थान या तो दे दिया जाए या फिर एक सीमित संख्या में खड़ा करने की अनुमति दी जाए। हाँ सर, ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, अलग अलग रूट दे दिए हैं ऑटो वालों को? रूट के लिए प्रयास करेंगे, मैं एक बार इनकी अगर यूनियन है और मैं आरटीओ साहब से भी चर्चा करूँगा, जो परमिट दिए जाते हैं वो रूट वाइज ही दिए जाए, या पुलिस के हमारे तरफ से अगर प्रयास करके रूट दिए जाना संभव होगा तो उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे।